हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20K इन अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डील्स। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, पहला स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में पोको X3 प्रो विद 128GB स्टोरेज एंड 8GB की रैम, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर मिलता है और UFS 3.1 की स्टोरेज, विच इज वेरी बेस्ट फॉर गेमिंग। 6.67 इंच की FHD प्लस डॉट डिस्प्ले विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन, मतलब इसको डैमेज पड़ना इसकी स्क्रीन पर बहुत ही मुश्किल है। और विद ये आता है IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ विद 450 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। दिस स्क्रीन इज एवरेज इन दिस प्राइस बजट। मेन कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, इसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ, 22 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 20 मेगापिक्सल का बैटरी में भी आपको अच्छी मिल जाती है 5160 mAh विद 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वेट इसका 215 ग्राम्स है। GPU में Adreno 640 मिलता है, Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 5.0 की सपोर्ट मिलती है। कॉन्स इसमें ये है, इसमें नो 5G सपोर्ट और साइन फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 26,000 है। प्राइस इसका चल रहा है ₹19,000 इन सेल और कार्ड्स के साथ लोगे तो ये पड़ेगा आपको 17,500। जिसको करनी है गेमिंग, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब जल्दी जाकर बिना दिखा। दूसरा फोन हमारी लिस्ट में आता है, उसका नाम है Redmi Note 10 Pro Max 128GB 6GB वाला वेरिएंट, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर के साथ विद UFS 2.2 की स्टोरेज, एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है 6.67 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट विद 1200 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, एकदम ही फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है। मेन कैमरा इसका 108 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड इसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का टैप सेंसर, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी इसका बहुत ही अच्छा है। बैटरी में भी ये एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, 5020 mAh की बैटरी विद 33 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग। वेट इसका 196 ग्राम्स है। GPU में Adreno 612 मिलता है, Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 5.0 की सपोर्ट मिलती है। इसमें भी आपको 5G नहीं मिलता और साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 23,000 है। प्राइस इसका चल रहा है 19,000 और कार्ड्स के साथ खरीदोगे तो ये मिलेगा आपको 17,500 का और ये भी एक बहुत ही अच्छी डील है। जिसको एक प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं चाहिए उसके लिए ये फोन बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, सैमसंग F62 128GB 6GB वाला वेरिएंट। इसमें आपको मिलता है सैमसंग का खुद का Zynos 9825 प्रोसेसर विद UFS 3.0 की स्टोरेज, 6.7 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस प्रोटेक्शन विद 60Hz रिफ्रेश रेट एंड 420 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। डिस्प्ले एवरेज है, परफॉर्मेंस एवरेज है, कैमरा भी इसमें एवरेज ही मिलता है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का। बैटरी इसमें बहुत ही अच्छी है, 7000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग स्पीड में भी इसमें 25 वॉट की है। वेट इसका है 218 ग्राम्स। GPU में मिलता है माली G76, ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट, 4G फोन है ये और साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक। MRP इसकी ₹30,000 है। प्राइस में ये मिल रहा है 19,000 में और सेल में आपको ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के साथ 17,500 में। तो ये भी एक तरह की बेस्ट डील है जिसको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000। तो पढ़ते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की तरफ। हमारा अगला स्मार्टफोन है Realme 8 Pro 128GB 8GB वाला वेरिएंट।
इसमें आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर विद यूएफएस 2.1 की स्टोरेज। ये बिल्कुल एक एवरेज परफॉर्मेंस देता है और रीड राइट स्पीड भी थोड़ी सी कम आएंगी क्योंकि इसमें आपको यूएफएस 3.1 नहीं मिलता। इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड विद 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। ये भी डिस्प्ले भी एक एवरेज ही है पर कैमरा इसका एक बहुत ही मेन पॉइंट है क्योंकि इसमें मेन कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का मैक्रो इसमें मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का और इसमें एक एक्स्ट्रा B&W लेंस भी मिलता है वो भी है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है 4500 mAh विद 50 W फास्ट चार्जिंग मतलब आपका फोन 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। वेट इसका 176 ग्राम है। GPU Adreno 612 Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट पर इसमें भी आपको नो 5G सपोर्ट मिलती है पर इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 22,000 है। प्राइस इसका चल रहा है ₹20,000 और सेल में कार्ड्स वगैरह के साथ खरीदोगे तो आपको 18,000 का पड़ेगा। तो अगला फोन है हमारा रियलमी X7 5G 128GB 6GB वाला वेरिएंट। इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर 800U विद UFS 2.1 स्टोरेज जिससे आपकी रीड राइट स्पीड थोड़ी सी कम आएंगी पर परफॉर्मेंस इसमें आपको तगड़े लेवल की मिलेगी। 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 600 हर्ट्ज ऑफ ब्राइटनेस। डिस्प्ले भी अच्छी है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मैक्रो इसमें 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। कैमरा सेटअप भी एकदम कॉमन सा है। बैटरी इसमें 4310 mAh की मिलती है विद 50 W फास्ट चार्जिंग। चार्जिंग भी इसमें बहुत ही जल्दी होगी लाइक योर फोन चार्ज इन 45 मिनट्स फुल चार्ज। इसमें आपको वेट 176 ग्राम्स मिलता है। GPU माली G57 हेडफोन जैक इसमें नहीं मिलता है इसका कौन है। Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट। ये फोन अभी तक का पहला फोन है जो 5G सपोर्ट करता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 22,000 है। प्राइस इसका ₹19,000 चल रहा है। सेल में आपको मिलेगा कार्ड्स के साथ 18,000 में। ये फोन ओवरऑल बहुत ही अच्छा फोन है। अगर किसी को 5G फोन चाहिए तो ये ले सकते हैं। बाकी और इससे भी अच्छे अच्छे फोन आगे हैं तो बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। ये है IQ C3 5G 128GB 8GB वाला वेरिएंट। इसमें आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर UFS 3.1 स्टोरेज मतलब इसमें आपको लेटेस्ट UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। रीड राइट स्पीड बहुत ही तगड़ी आएंगी। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 768G मिलता है मतलब परफॉर्मेंस भी आपको कहीं भी लैग वगैरह नहीं मिलेगा। 6.58 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले पांडा ग्लास प्रोटेक्शन विद IPS LCD 120Hz रिफ्रेश रेट एंड विद 180Hz ऑफ टच सैम्पलिंग रेट। IPS LCD मिलती है तो थोड़े से आपको डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल मैक्रो 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल। कैमरा सेटअप भी एवरेज है। बैटरी इसमें आपको मिलती है 4400 mAh विथ 55 W ऑफ फास्ट चार्जिंग। अदर फीचर्स की बात करें तो वेट इसका 185 ग्राम्स है। GPU इसमें एड्रीनो 620 मिलता है। Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट मिलती है। ये भी फोन भी 5G को सपोर्ट करता है जिसके नाम से पता चलता है। इसमें मिलता है आपको साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक। MRP इसकी 25,000 है। प्राइस चल रहा है ₹19,000। कार्ड्स वगैरह का खरीदोगे भाई तो पड़ेगा ₹17,250 का आपको ये फोन मिलेगा और सबसे अच्छा फोन आगे इसका भी भाई बड़ा भाई IQ Z5 128GB 8GB वाला वेरिएंट। इसमें आपको मिलता है लेटेस्ट कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज 6.67 इंच की FHD प्लस पंच होल कट डिस्प्ले विद IPS LCD 120Hz रिफ्रेश रेट विद 240Hz ऑफ टच सैम्पलिंग रेट। ये फोन मुझे बिल्कुल अच्छा फोन नहीं लगता क्योंकि इसमें IPS LCD 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है जबकि इसका प्राइस 30,000 है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का
अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट इसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का। कैमरा सेटअप भी बहुत ही एवरेज सा है। बैटरी इसमें 5000 mAh विद 44 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। वेट इसका 215 ग्राम है। जीपीयू इसमें एड्रीनो 642L मिलता है। वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट। 5G को ये भी सपोर्ट करता है। साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 30,000 रुपीज है। प्राइस इसका चल रहा है 24,000 और सेल में आपको ये मिलेगा 20,500 का, जो मुझे नहीं लगता एक बेस्ट ऑफर होगी पर आईक्यू लवर्स के लिए ये फोन है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे जल्दी जाकर वीडियो को लाइक मार देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ जो आता है रियलमी की तरफ से, उनका रियलमी GT मास्टर एडिशन सबसे नया फोन। Qualcomm Snapdragon 778 प्रोसेसर के साथ आता है विद UFS 2.2 की स्टोरेज। Realme वालों ने स्टोरेज का वर्जन अभी भी UFS 2.2 दिया है, जिससे रीड्राइव स्पेस UFS 3.1 से कम आएंगी। प्रोसेसर तगड़ा है भाई, देख लो 6.43 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट विद फर्दर 360Hz टच सैम्पलिंग रेट। भाई डिस्प्ले एकदम ही फ्लैगशिप है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो 2 मेगापिक्सल का, डेप्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी इसमें मिलती है 4300 mAh विद 65 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। वेट इसका 174 ग्राम है। GPS में एड्रीनो 642L मिलता है। वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 दोनों के ही लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट। 5G ये भी सपोर्ट करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 30,000 है। प्राइस इसका चल रहा है 28,000 और सेल में आपको फ्लिपकार्ट पर ये मिलेगा सिर्फ 19,500 विद योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। ये भी एक बहुत ही अच्छी डील है भाई, जरूर इसको ले लेना अगर आपको एक फोन चाहिए विद गुड परफॉर्मेंस, गुड कैमरा, ऑल थिंग्स। तो अगला फोन आता है हमारा मोटरोला की तरफ से, मोटो G60 128GB 6GB वाला वेरिएंट। Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर मिलता है विद UFS 2.1 की स्टोरेज। रीड राइट स्पीड एवरेज आएगी, परफॉर्मेंस भी एवरेज मिलेगी। 6.78 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट विद 240Hz टच सैम्पलिंग रेट। डिस्प्ले भी एवरेज मिलती है IPS पैनल के कारण, पर इसका प्राइस बहुत अच्छा है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट मिलता है 32 मेगापिक्सल का। बैटरी इसमें 6000 mAh की विद 20 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। वेट इसमें 220 ग्राम्स। GPU एड्रीनो 618। वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट। नो 5G सपोर्ट मिलती है। साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 22,000 है। प्राइस इसका चल रहा है 18,000। कार्ड के साथ आपको सेल में मिलेगा 14,500 में। और ये भी एक बहुत अच्छा फोन है अगर आपको ज़्यादा कैमरा चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए और अच्छी डिस्प्ले चाहिए। बैटरी इसमें ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि चार्जिंग स्लो मिलती है। इसमें 5G सपोर्ट नहीं है तो ये भी कुछ लोगों के लिए ऑप्शन नहीं बन सकता। और 6GB वाला वेरियंट है तो ओवरऑल योर विश, आप क्या चाहते हो फोन में लेना क्या नहीं चाहते। पर मेरे हिसाब से जिनको कैमरा और प्रोसेसर चाहिए उनके लिए फोन था। अगला फोन आता है हमारा मोटरोला की तरफ से फिर से Edge 20 Fusion, उनका नया लॉन्च 128GB 8GB वाला वेरियंट। MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर मिलता है विद UFS 2.2 की स्टोरेज। 6.67 इंच की FHD प्लस 10-bit AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद LCD 90Hz रिफ्रेश रेट विद HDR10+ सपोर्ट। भाई इसमें इतनी तगड़ी डिस्प्ले है ना, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, पर 10-bit डिस्प्ले होने के कारण, AMOLED डिस्प्ले होने के कारण में जो कलर्स दिखेंगे वो आपको बहुत ही नेचुरल लगेंगे। 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो कैमरा इसमें इकट्ठे हैं 8 मेगापिक्सल के, और इसमें एक डेप्थ सेंसर भी मिलता है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें आपको मिलती है 5000 mAh विद 30 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। वेट इसका है 185 ग्राम। GPU Mali G57 MC3 मिलता है।
वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट विद 5G सपोर्ट मिलती है। इसमें ऐसा एक लौता फोन है जो 13 5G बैंड सपोर्ट करता है और इसमें साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी है 26,000, प्राइस इसका चल रहा है 22,000 और सेल में आपको मिलेगा अंडर 20,000, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी डील। तो पढ़ते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की तरफ जिसका नाम है सैमसंग M32 128GB 6GB वाला वेरिएंट। इसमें मिलता है आपको MediaTek का हेलियो G80 प्रोसेसर विद UFS 2.1 स्टोरेज। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, रीड राइट स्पीड भी ठीक ठाक सी है, पर सैमसंग लवर्स के लिए फोन है। 6.4 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले अच्छी है। मेन कैमरा इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का मिलता है, मैक्रो और डेप्थ दोनों ही 22 मेगापिक्सल के मिलते हैं और फ्रंट इसमें 20 मेगापिक्सल का मिलता है। बैटरी इसमें आपको मुझे 6000 mAh विद 15 वॉट फास्ट चार्जिंग। वेट इसका 196 ग्राम है। GPU इसमें Mali G52 MC2 मिलता है। वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलती है। 5G फोन नहीं है और इसमें साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 19,000 है, प्राइस इसका चल रहा है 18,999 और सेल में आपको ये फोन मिलेगा 17,000 का। तो ये डील भी काफी अच्छी है सैमसंग लवर्स के लिए। जिनको एक प्रॉपर सैमसंग का फोन चाहिए वो या तो सैमसंग S52 ले सकते हैं या सैमसंग M32 ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको सैमसंग का खुद का जाइनोस चाहिए या MediaTek का हेलियो G80 चाहिए। वैसे MediaTek के हेलियो G80 गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फोन की तरफ, उसका नाम है Realme Narzo 30 Pro 5G 128GB 8GB वाला वेरिएंट। इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर विद UFS 2.1 की स्टोरेज, 6.4 इंच के FHD प्लस इंसेल डिस्प्ले मिलती है विद Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है विद IPS LCD पैनल विद 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले एवरेज है, प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है, स्टोरेज वर्जन थोड़ा सा कम रीड राइट स्पीड देता है। मेन कैमरा भी इसका 48 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड इसका 8 मेगापिक्सल का है, मैक्रो 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट 16 मेगापिक्सल का। कैमरा सेटअप भी एकदम ही कॉमन सा है। बैटरी इसमें 5000 mAh की मिलती है विद 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी भी एवरेज ही है, सब कुछ एवरेज मिला है, बस प्रोसेसर तगड़ा है। वेट इसका 194 ग्राम है। GPU इसमें आर्म G57 MC3 मिलता है। वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट। 5G फोन है। साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है। MRP इसकी 22,000 है, प्राइस चल रहा है इसका 19,000 और सेल में आपको मिलेगा 17,500 का। तो 5G लवर्स के लिए ये फोन है, जिनको सिर्फ गेमिंग और 5G से मतलब है वो ये फोन ले सकते हैं। डिस्प्ले भी इसकी अच्छी है, बस एमोलेड नहीं है और कैमरा थोड़ा सा कम तगड़ा है, बस बाकी सब तो अच्छा ही है। तो पढ़ते हैं हमारे अगले फोन की तरफ, Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB वाला फोन है। ये Redmi Note 10 Pro Max का छोटा भाई है। इसमें आपको मिलते हैं Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर विद UFS 2.2 की स्टोरेज, सेम एज Redmi Note 10 Pro Max। 6.67 इंच के FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 1200 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। एकदम ही सेम प्रोसेसर और सेम डिस्प्ले मिलती है Redmi Note 10 Pro Max और 10 Pro में, बस कैमरे का फर्क है। कैमरा इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, टेलीफोटो मिलता है 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो मिलता है 5 मेगापिक्सल का और टच सेंसर मिलता है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का और बैटरी इसमें मिलती है 5020 mAh की 33 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग। वेट इसका 192 ग्राम है। GPU इसमें मिलता है Adreno 618, वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलती है। नो 5G सपोर्ट है, 5G को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक है। MRP इसकी 20,000 है, प्राइस चल रहा है 17,000 और सेल में आपको मिलेगा 15,000। जिनका थोड़ा सा कम बजट है वो इस फोन को ले सकते हैं, जिनका थोड़ा ज्यादा है Redmi Note 10 Pro Max को ले सकते हैं।
और जिनको कैमरा चाहिए वो डेफिनेटली रेडमी 10 प्रो मैक्स।